हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आज हम सब बात करेंगे पांच ऐसे रीजंस जिसके कारण लोग बॉलीवुड मूवीज को बायकॉट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रीजन नंबर पांच पे बात करते हैं, बॉलीवुड अपने ही फैंस को बायकॉट करेगा। आपने सही सुना, करीना कपूर है या आलिया भट्ट, इन दोनों ने कहा था कि अगर बॉलीवुड में हमारी फिल्म नहीं पसंद है तो ना देखें। और अर्जुन कपूर ने तो एक लिमिट क्रॉस कर दिया, उन्होंने कहा कि उनको उल्टा एक्शन लेना चाहिए। अब वो ये बताएंगे कि एक्शन कैसे लेंगे, क्या वो अपने फैंस को ही बायकॉट कर देंगे। ये सब फालतू के बयान सुन के पब्लिक में नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और लोग बॉलीवुड को बायकॉट करने के लिए एक कदम और बढ़ा देते हैं। इसी के साथ लिस्ट में नंबर चार पे हम सब बात करते हैं किस तरह से बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की फिल्म फ्लॉप होते जा रही है। सलमान खान हो या शाहरुख खान या आमिर खान, सबकी फिल्म लगातार कंटिन्यू फ्लॉप होते जा रही है। इसी के कारण जो छोटे बजट के हीरो हैं इनकी फिल्में फ्लॉप जा रही है, इससे पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री ही बायकॉट होते जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ लिस्ट में नंबर तीन पे बात करेंगे साउथ की फिल्मों का बढ़ता ग्राफ। आपने देखा होगा कि साउथ की फिल्में 1000 करोड़ हो या 2000 करोड़ इजीली कमा रही है। इसी के कंपेयर में बॉलीवुड की फिल्में लगातार पिटते जा रही है और फैंस को बॉलीवुड से थोड़ा एक्सपेक्टेशन हाई हो चुका है, मगर बॉलीवुड अपने एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतर पा रहा है और वो साउथ की फिल्मों जैसे एक्शन सीक्वल या फिर बहुत थ्रिलर फिल्म नहीं बना पा रहा है। इसी के साथ अब रीजन नंबर दो पे बात करते हैं, बॉलीवुड का एंटी हिंदू होना। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप बॉलीवुड की पुरानी फिल्म उठा के देख लीजिए, उसमें बॉलीवुड ने काफ़ी ऐसे जोक्स किए हैं जो भगवान को सीधे आहत करते हैं। वो हिंदू देवी देवता का काफ़ी अपमान करते थे, ये बात लोग पहले सुन लिया करते थे, मगर जब से बायकॉट बॉलीवुड हुआ है तब से लोग इनकी पुरानी क्लिप्स को उठा उठा के इन्हीं पे यूज़ करते हैं, जिसका विरोध में बॉलीवुड कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उनके पास कुछ भी डिफेंड करने के लिए नहीं है। तो चलिए रीज़न नंबर वन पे बात करते हैं, आप कुछ भी कर लो, कितने ही बायकॉट कर लो, अगर फिल्म अच्छी रहेगी तो वो 100% चलेगी। अगर आपको याद नहीं आता तो मैं याद दिला देता हूँ, फिल्म पीकॉक का भी काफ़ी बायकॉट हुआ था, दंगल का भी बायकॉट हुआ था, और भी ऐसे फिल्म थे जैसे बजरंगी भाईजान, ऐसे बहुत सारी फिल्म हैं जिसका बायकॉट हुआ था, उसके बाद भी वो फिल्में चली क्योंकि उन फिल्मों में दम था और आज की बॉलीवुड फिल्म में कोई दम नहीं है। लाल सिंह चड्ढा हो या फिर कोई और फिल्म, इन सब में कोई ऐसा दम नहीं था जिसके लिए ऑडियंस सिनेमा हॉल में जाए। और मेरा बस यही सजेशन है कि बॉलीवुड को अच्छी फिल्में बनाने पर ध्यान देना चाहिए और जो फालतू की बकवास करते हैं उसको बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए, कि उनसे उनको फ़ायदा तो होता नहीं है मगर उनसे उनको काफ़ी लॉस भी जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो आप लोग ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।